बेनी प्रसाद वर्मा की जो अपने काम के लिए कम और अपने बोल के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। इस्पात मंत्री और कांग्रेसी नेता बेनी प्रसाद वर्मा ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। अपने बयान से खुद कांग्रेस के लिए कई बार सरदार बन चुके बेनी बाबू ने इस बार बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह पर जुबानी तीर चलाए। चुनावी मौसम है तो बेलगाम हो रही सियासत की भाषा में बेनी बाबू ने एक नया अध्याय जोड़ दिया है। वैसे बात तो हैरानी की ही थी, राजनीति के बोल बहक चुके थे, हर कोई बढ़ चढ़ कर बेतुका बयान दे रहा था, तो भला अब तक कैसे खामोश थे बेनी बाबू। लोगों के इंतजार को आखिरकार केंद्रीय इस्पात मंत्री ने खत्म ही कर दिया। मंच पर चढ़े, माइक थामा तो बोल दिया बीजेपी के पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला, लेकिन भाषा बिल्कुल वैसी जिसके लिए आप बेनी प्रसाद वर्मा को जानते हैं। गांधी जी सेक्युलरिज्म के लिए शहीद हुए और आत्मा के लोगों ने भी हत्या की, उसने मुल्क के चुनाव में मोदी सबसे बड़ा गुंडा है। जरा ठहरिए, बेनी के बोल सिर्फ मोदी पर ही नहीं बरसे, बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह को भी उन्होंने निशाने पर लिया। अब तक तो आप राजनाथ सिंह को बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर ही जानते थे, लेकिन बेनी बाबू ने राजनाथ की नई पदवी बना डाली। कोंडा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार बेनी बाबू शहदुल्ला नगर पहुंचे थे एक जनसभा को संबोधित करने। जैसे ही कार से उतरे, लोग उनका स्वागत करने के इंतजार कर रहे थे। फौरन नारेबाजी शुरू हो गई तो बेनी बाबू भी जोश में आ गए। मंच पर आए तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह पर विवादित बयान दे डाला, लेकिन भाषा अमर्यादित और बोल बिगड़े हुए। गांधी जी सेक्युलरिज्म के लिए शहीद हुए और आत्मा के लोगों ने भी हत्या की, उसने मुल्क के चुनाव में मोदी सबसे बड़ा गुंडा है। मोदी और राजनाथ पर बेनी प्रसाद वर्मा के बेटी के बयान ने एक बार फिर से सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर चुनाव के करीब क्यों बेलगाम हो जाते हैं नेता। वैसे तो राजनीतिक टकराव की भाषा मर्यादित होनी चाहिए, लेकिन देश की राजनीति और उसके नेता जैसे लोकतंत्र को शर्मसार करने पर तुल गए।